तो मैं रथ यात्रा में पूरी नहीं जा पाया, बट आज मैं पूरी जा रहा हूँ। अभी मैं भुवनेश्वर स्टेशन पे हूँ और पीछे पूरा कंस्ट्रक्शन चल रहा है। भुवनेश्वर पूरा मॉडिफाई हो रहा है। भुवनेश्वर का स्टेशन 7-story बिल्डिंग बनने वाला है। अभी धौली ट्रेन आने वाला है जो हावड़ा से पूरी जाता है। 4:20 में आने वाला था, अभी 5:30 में आएगा। ट्रेन 30 मिनट लेट हो गया। अभी सारा रथ यात्रा के लिए सारा ट्रेन लेट हो रहा है। पूरी यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, बस 62 किलोमीटर है। लेट को कंसीडर करने से लगता है 2 घंटे में पहुँच जाएंगे। पूरी स्टेशन भी मॉडिफाई हो रहा है। यह टेंट जो दिखाई दे रहा है वो शायद वेटिंग हॉल के जैसे काम कर रहा होगा। तो कल मैं रात के 9 बजे मेरे मौसी के घर में पहुँच गया। अभी मैं ये जगन्नाथ मंदिर को आया हूँ। यहाँ पर और एक जगन्नाथ भगवान के जैसे दिखने वाले भगवान है, उनको पत्ती तपावन बोलते हैं। वही उनका दर्शन करेंगे, फिर गुंडीचा मंदिर को जाएंगे। अभी ये वाला गेट, सामने वाला गेट सिंह द्वारा बंद है क्योंकि यहाँ पर गेट चेंज हो रहा है। सिल्वर का गेट लग रहा है, इसलिए अभी यहाँ से नहीं एंट्री, दक्षिण द्वार से अभी एंट्री करेंगे। मिलते हैं अंदर, कैमरा अलाउ नहीं है, गुंडीचा मंदिर में मिलते हैं। ये श्री मंदिर के बाहर से भी पति तपावन प्रभु दिखाई दे रहे। पद्मनाभ देवा गर्भ चंद्र सूर्य विलोकना जगन्नाथो लोकनाथो। ये बड़ा डांडा है और यहाँ पर सारा रथ आकर रुकता है और ये स्ट्रेट रोड गया है गुंडीचा मंदिर। ये रोड में एक चीज दिखाने वाला था, मिस हो गया, ठीक है कल दिखा देंगे। और जगन्नाथ श्री मंदिर से गुंडीचा मंदिर 3 किलोमीटर है। ये ऑटो में जा सकते हो या इलेक्ट्रिक रिक्शा में जा सकते हो, जो 20 रुपये लेता है ईच पर्सन, बट ये सब ऑटो रिक्शा यहाँ पर छोड़ देते हैं। मेडिकल छप इसके आगे और किसी को अलाउ नहीं है। आज इतना बड़ा लाइन लगा है, ये लाइन तो ख़त्म ही नहीं हो रहा। पूरा ये लाइन लगा है मेडिकल छक तक, ये लाइन तो ख़त्म ही नहीं हो रहा। ये इतने बारिश में भी लोग छाता लेकर लाइन में खड़े हैं। तो मेरे पीछे 3 रथ है, तो मैं गुंडीचा मंदिर पहुंच गया हूं। और आज पहाड़ गिरा था अभी कुछ टाइम पहले, उसलिए इतना बड़ा लाइन है। लाइन ख़त्म हो जाएगा और नेक्स्ट बात है कि आज ये रथ को घुमाया जाएगा, उसका डायरेक्शन चेंज होगा। अभी जगन्नाथ मंदिर की ओर ये रथ को घुमाया जाएगा, देखता हूँ। अगर चांस मिला तो ये भी एक्सपीरियंस कर लूँगा। ये 3 रथ में सबसे हाइट वाला रथ कौन सा है? प्रभु जगन्नाथ जी का रथ है नंदी घोषक, जो 44 feet 3 inches है, 16 wheel है और यहाँ पर कपड़ा यूज होता है येल्लो और रेड। फिर बड़भद्र भगवान का ताला ध्वज जो 43 feet 4 inches है, 14 wheels है और यहाँ पर रेड ग्रीन कपड़ा यूज होता है। ये रथ का रस्सी छूने से बहुत पुण्य मिलता है। मैं भी थोड़ा हाथ बढ़ा दूँ, ठीक है। फिर उसके बाद सुभद्रा देवी का देवदलन जो कि 42 feet 3 inches 12 wheels। ये सब पुलिस फोर्स दक्षिण मोड़ा के लिए आए हैं। इससे पहले ये स्टार्ट हो, मैं जाता हूँ प्रभु का दर्शन करके आ जाता हूँ। इस गेट से निकलना होता है, मैं दर्शन करके आ गया हूँ। अभी चलते हैं, रथ को घुमाना स्टार्ट हो गया शायद। तो ये रेड ब्लैक कपड़ा यूज किया गया है, मतलब ये माँ सुभद्रा का रथ है। पहले इसको घुमाएंगे, फिर उसके बाद किसको घुमाएंगे मालूम नहीं। ये नौना फूल फेंक रहा है, देखते हैं, ट्राई करते हैं एक फूल पकड़ने का कोशिश करते हैं। चलो फाइनली एक फूल मिल गया जो रथ के ऊपर था। मैं बारिश में पूरा भीग चुका हूँ। काश आप सब व्यूअर्स यहाँ पर होते, ये खास लम्हे को एक्सपीरियंस करते। तो हर रथ के ऊपर नौना रहते हैं जो स्टिक पकड़ के, वो अपने बातों से लोगों के बीच में पावर ले आते हैं।
माध्यम इस एनवायरनमेंट में अलग ही एनर्जी ले आता है। रथ कहाँ से कहाँ आ गया, बाकी रथ कितना दूर है, बट ये रथ को घुमाने के लिए इतना ही एरिया कवर करके घुमाया जाता है। मंदिर के दूसरे साइड में रथ जाकर खड़ा हुआ। अचानक ये बारिश कहाँ से आ गया, श्री मंदिर के पास ही एक खोजा दुकान के अंदर हम खड़े हैं। अगर पूरी आए तो ये खोजा जरूर खाना, ये प्रसाद है भगवान का। यहाँ पर बारिश से बचने के लिए आए थे, बट हवा इतना जोर हुआ कि दुकान को अभी बचाना पड़ रहा है। सेकेंड डे है और मैं सी बीच को घूमने के लिए आया हूँ। तो कल दर्शन अच्छे से हुए और आज और एक बार दर्शन करेंगे। सी बीच घूमने के बाद जाएंगे गुंडीचा मंदिर, वहाँ पर और एक बार दर्शन करेंगे, प्रसाद लेंगे। कल प्रसाद नहीं मिला था क्योंकि कल प्रसाद रात के 9 बजे निकला था, तो आज प्रसाद का वेट करेंगे, फिर 9 बजे या 8 बजे के आसपास भुवनेश्वर रिटर्न करेंगे। लोग सब भगवान का दर्शन करने के बाद यहाँ पर आ जाते हैं इसी बीच में। एक साइड में है तो ये सी वेव का एंजॉयमेंट, हॉर्स राइड कर सकते हो, कैमल राइड कर सकते हो, और दूसरी साइड में है स्वर्ग द्वार। एक साइड दुखी तो दूसरी साइड सुखी। खैर छोड़ो, भगवान का दर्शन करने के लिए चलते हैं अभी गुंडीचा मंदिर। हाँ, मैं रास्ते में आप सबको कुछ दिखाने वाला था। मैं आप सबको ये दिखाना चाहता था, मावसी माँ टेम्पल। यहाँ पर क्या होता है ना, रथ जब गुंडीचा मंदिर की ओर जाता है यहाँ पर आकर रुकता है, भगवान यहाँ से पीठा खाते हैं। आज भगवान का दर्शन के लिए लाइन कम है, फिर भी ओवरऑल भीड़ ज़्यादा है क्योंकि मेला लग गया, क्योंकि रथ का पोजिशन शिफ्ट हो गया। पहले रथ इधर था वो गुंडीचा मंदिर टेम्पल के पास, अभी दूसरे साइड में है। सारे सारथी इस साइड है, रथ घूम गया है। चलो अभी भगवान का दर्शन कर लेते हैं और अभड़ा भी खा लेते हैं, फिर आपके साथ बात करते हैं। अभी गुंडीचा मंदिर का दर्शन हो गया, भगवान का दर्शन हो गया, और पूरी सी बीच से ये ड्रेस खरीदा हूँ। शर्ट कैसा लग रहा है कमेंट करना। तो अभड़ा भी मिल गया और तीन रथ घूम गए, उनका डायरेक्शन चेंज कर दिया गया है बावड़ा के लिए, अभी वापस भुवनेश्वर चलते हैं। हाँ, मेरा गैस करेक्ट है, ये सारा टेंट वेटिंग हॉल के जैसे यूज हो रहा है। इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो पसंद आ रहा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जय जगन्नाथ।